आगे बढ़ेंगे। आज बीजेपी मुख्यालय में नव सांसद अभिनंदन कार्यक्रम, दोपहर 1 बजे नव सांसद अभिनंदन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बैठक लेंगे। सह प्रभारी विजय राहटकर और अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी, नव सांसद अभिनंदन कार्यक्रम मकसद यही है कि जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनकी पीठ थपथपाई जाए और उनके उत्साह में वृद्धि की जाए। उत्साहवर्धन के लिहाज से ये कार्यक्रम, जिसका आयोजन किया गया है खुद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में, ये बैठक भी होगी और इसके बाद दोपहर 1 बजे नव सांसद अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि देखिएगा, इन चुनावों में जिस तरह के परिणाम रहे, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटों पर जीत हासिल करी और ऐसे में 14 सीटों पर ऐसी भी सीटें हैं जहां पहली बार के सांसद चुने गए हैं, तो कई ऐसी भी सीटें हैं जहां 3-3 बार सांसद बनकर नया इतिहास लिखने की तैयारी की गई। चाहे अब झालावाड़ 12 की बात हो, जिस तरह से वहां जीत हुई दुष्यंत सिंह की, या फिर चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी की सीट की बात हो, भूपेंद्र यादव की सीट की बात हो, और या फिर अन्य सीटें। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य, नव सांसद अभिनंदन कार्यक्रम को लेकर जानकारी दीजिएगा, कौन कौन शामिल होने पहुंचेगा, क्या सभी नए सांसद पहुंचेंगे? देखिए शिखा, जब नव सांसदों को बुलाया गया तो सभी नव सांसदों को स्वाभाविक रूप से पहुंचना होगा। नव सांसदों को क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की तरफ से कॉल की गई है मीटिंग, तो सभी को पहुंचना है, उनका अभिनंदन किया जाएगा भाजपा मुख्यालय में और उनको जीत की शुभकामनाएं और बधाई दी जाएगी। सहभोज का कार्यक्रम होगा, साथ में ये लोग सब भोजन करेंगे और इनको एक दुपट्टा और बुके या फिर कोई पौधा है वो भेंट कर दिया जाएगा। इस तरीके का कार्यक्रम रहेगा और जिन सीटों को हारे हैं उन सीटों को लेकर मंथन भी होगा। सामान्य तौर पर एक बातचीत होगी और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें टास्क भी दिया जाएगा और संगठन के प्रमुख नेताओं की उपस्थिति साथ में ही मौजूद रहेगी। उसके बाद नव सांसद अपने दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आज दोपहर बाद शाम तक नव सांसद दिल्ली भी जाएंगे, चूंकि सब जीत के आए हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों उन्हें नव सांसदों को पार्टी की रीति नीति से भी रूबरू कराएंगे, क्योंकि हालांकि सभी वरिष्ठ हैं, कई तो लगातार जीत रहे हैं, कई बहुत बड़े नेता भी हैं, लेकिन पार्टी लाइन में कुछ बातें होती है, जो पार्टी की ओर से संदेश होता है वो दिया जाता है। ठीक है ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।